हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं फ्रेश इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैं 2 बजे उठ गया था, क्योंकि अभी बहुत तेज़ आंधी आई थी और काफ़ी मतलब आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए उस चीज़ से मैं उठ गया। और अभी बारिश हो रही है बहुत, तो भाई अब उठ गया तो फिर नींद भी नहीं आ रही है। फिर सोचा कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं, तो इसलिए ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं सोच रहा हूँ काम कर लेते हैं। और ब्रोनो देखो, अरे मैं यहाँ सो रहा था, ये यहाँ पे था नीचे ज़मीन पे, फिर उठ के यहाँ पैर के पास आ गया था, वही जो आवाज़ है वही। तो बारिश हो चुकी है बंद, मतलब ये बूंद बूंद हो रही है और सुबह के बज रहे हैं 4। और अभी मुझे भी थोड़ी बहुत नींद आने लग गई है, तो चलते हैं सोते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, कल उठ के शूट करते हैं। या बाय। Have I lost sense of time? No rhyme and no rhythm. No way to go home. No way to bear with ya. But this can't be done. We can't end it all just like that. Baby, I... Good morning, guys. यार अभी तो आज मैं 9 बजे उठ गया था भाई, जैसे मैं लेट सोने के बाद आपने देखा 4 बजे सोया, तो अभी 9 बजे उठ गया था। बाकी अभी 10 बज रहे हैं, अभी ऊपर आए हैं और मौसम काफ़ी आज सनी है, 23 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। मतलब रात में अच्छी अच्छी खा इतनी तेज़ और अच्छी बारिश हुई, जैसे वो सुबह ऐसा। अब आगे का टेम्परेचर कोई नहीं जानता, देखते हैं। तो आज जो है बादल काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए ऊपर आया। सोच रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लैप्स ले लूँ, तो अभी ये सोच रहा हूँ कौन सा स्पॉट बेटर रहेगा, देखते हैं। You don't know how love goes, baby. जो जो कोल्ड कॉफी लवर हैं उनके लिए प्रो टिप, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। पहले थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दो, फिर उसके बाद अपने हिसाब से स्वाद के हिसाब से चीनी। मैं चीनी कम लेता हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ 2 चम्मच डालता हूँ, क्योंकि मैं हार्दिक भी लेगा तो इसलिए 2 चम्मच डाला। बाकी कॉफ़ी मैं डालता हूँ 2 नहीं तो 3। अब बाकी जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तभी ये थोड़ा सा इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। और ये दिखाता हूँ आपको, और आपको कोई और आवाज़ आ रही थी क्योंकि मम्मी अंदर, मम्मी और हार्दिक वो सौरभ जोशी है ब्लॉग्स, उसकी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो एज यू कैन सी थोड़ा सा मिल्की हो गया, ये फ्रोथ हो गया है पे, क्योंकि इतना पानी था अभी इतना थोड़ा वो जम गया। अब बाद में आप इसमें दूध डाल सकते हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो जाएगी, कम दूध में ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसलिए आपको बॉडी में ज़्यादा दूध नहीं जाएगा और कोल्ड कॉफ़ी हो जाएगी। दूध उसके लिए जिनको समझ जाओ। फिर फाइनली मम्मी का मदर्स डे का गिफ्ट आ चुका है, और ये तीसरा गिफ्ट है जो मदर्स डे का गिफ्ट, तीसरा गिफ्ट है मम्मी का ये, क्योंकि इससे पहले जो हमने 2 मंगाए थे मम्मी को, उसका जब सबसे पहले वाले का कलर पसंद नहीं आया, दूसरे वाले का कपड़ा पसंद नहीं आया मिंत्रा से जो हमने मंगाया था, और ये तीसरा मम्मी को थैंकफुली पसंद आ गई साड़ी। मतलब पहले वाला तो मैंने अपने पसंद से मंगवाया था, तो वो मम्मी को पसंद नहीं आया, तो उसमें रिफंड आ गए थे पैसे, तो वैसे मम्मी को दे दिया कि मम्मी आपको जो पसंद आए मंगा लो। तो दूसरी वाली मम्मी को एक इमेज मतलब अच्छा लग रहा था, इमेज में अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आया तो उसका कपड़ा मम्मी को अच्छा पसंद नहीं आया, तो अब मम्मी ने साड़ी मंगाई है और थैंकफुली मम्मी को साड़ी पसंद आ गई है। और आज 22nd में है, मदर्स डे का 9th हो, काफ़ी लेट हो गया गिफ्ट का, लेकिन कोई बात नहीं, आज से 1 महीने बाद मम्मी का बर्थडे है 24 जून,
आज तो 22nd है तो एक महीने ही मान लेंगे है ना। तो फिर उसके लिए भी अलग सरप्राइज और गिफ्ट प्लान करना पड़ेगा। फिर अभी मैंने एक क्लिप देखी काफ़ी, जिसमें यार ये बहुत ही बेकार लग रही है बियर्ड, क्योंकि एज यू कैन सी मेरे अभी यहाँ अच्छे से है नहीं, और मैंने यहाँ बहुत बड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिया। भाई बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल, बाहर चल। तो यार अभी मैं सोच रहा था उसको काट दूँ, या तो होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को कटी हुई देखे। अभी तो नहीं काट रहा क्योंकि आज सैटरडे है, अगर आज काटा तो मम्मी। ठीक है, तो आज ऐसी कैमरास के बारे में काफ़ी थोड़ा रिसर्च वगैरह कर रहा था कि कौन सा कैमरा बढ़िया है। फिर आज एकदम से माइंड में क्लिक हुआ कि अपने पास भी तो एक DSLR रखा है। एकदम से भूल गया था यार मेरे पास भी एक DSLR है, और वो मतलब रखा हुआ था कोने में। तो अभी वहाँ चलते हैं ऊपर, इसके बारे में इसको अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं। एज़ यू कैन अज्यूम कि कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है, और अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और मैं इस टाइम पे इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी यहाँ जैसे जैसे धूप का मुझे तो छत पे काफ़ी लोग आए, अपने अपने छत पे काफ़ी लोग आने लग जाते हैं, और जब मैं यहाँ पे व्लॉग करता हूँ तो बहुत लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है। लेकिन और वहाँ वहाँ से वो ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ अंदर रहती है, आपने काफ़ी नोटिस किया होगा। तो हाँ, इसको अनबॉक्स करते हैं। और एम्बेरस का मतलब ये नहीं, गलत तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा मेरे को शायद। तो इसको खोलने से पहले बता दूँ, ये मेरे पास लाइक 2018 से मेरे पास है ये कैमरा। अभी फ्रेंड्स जो लोग ब्लॉग भी देखते हैं वो सब स्कूल फ्रेंड्स जितने भी हैं उन सब जानते हैं कि मेरे पास ये कैमरा है। दिस इज़ कैनन EOS 1300D, और इसके साथ ये 1855mm लेंस। तो काफ़ी लोगों का सवाल होगा जब मेरे पास ये DSLR है तो मैं इसको यूज़ क्यों नहीं करता, तो मैं इसको अभी सेटअप करके आपको बताता हूँ कि क्यों यूज़ नहीं करता मैं इसको। और ये 1300D है, कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है इजीली, ये आज की डेट में है। इसका कॉस्ट है 25,000 आई गेस, या उससे कम ही होगा। और लाइक जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में घुसना है और शुरुआत ही कर रहे हैं, तो दिस इज़ बेस्ट कैमरा, आप इसको ज़रूर ले सकते हो। और हाँ, इसको ऑन करके देखते हैं पर ये चार्ज है भी या नहीं। यार ये ऑन ही नहीं हो रहा है, शायद इसकी बैटरी ख़त्म है। अब इसका चार्जर भी, इसका चार्जर ढूंढना पड़ेगा यार। हाँ यार, इसका चार्जर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि चार्जर से देखो कि यार ये काफ़ी टाइम से ये कैमरे को मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब यार घिस दिया मैंने इस कैमरे को। आप जैसे पुरानी जो मेरे पहले 3-4 वीडियोज़ होंगी डांस वाली, जब हम स्कूल में इसको बहुत यूज़ किया है मैंने, लाइक स्कूल में जितने भी इवेंट्स हुए हैं और जितने भी कहीं पे हमें जाना पड़ा हो स्कूल एज ए स्कूल को रिप्रेजेंट करके कहीं जा रहे हो, तो वहाँ वहाँ शूट हुआ है इस कैमरे से। बाकी मैंने फोटोग्राफी में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है। पोपट हो गया। कोई नहीं, गाइस अभी नीचे चलते हैं, और अब इसका चार्जर अगर ढूंढूंगा मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इसे शूट करके दिखाऊंगा ज़रूर। और अभी धूप बहुत है। तो मैं कहता हूँ ब्लॉग को करते ही यहीं पे समाप्त। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जो लोग नए व्यूअर हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक और कमेंट करें बिना मत जाना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। I know when it's cool that I know when love's real, and I know when it's foolin', and this is just not. So I think it's my time to go. Baby, I know you know how to be a heartbreaker. You won't know how love goes. We'll be right back.
a heartbreaker. You don't know how love goes, baby. You don't know how to be a heartbreaker, but you don't know.